सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ द्वारा हिमाचल के युवाओं के लिए क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और क्रिकेट लीग का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता की शुरुआत महिला क्रिकेट मैच से हुई। इस मौके पर खेल प्रकोष्ठ सोलन के अध्यक्ष रंजित साहनी विशेष तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस क्रिकेट लीग में करीबन 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम को 21,000 रूपए और उप विजेता टीम को 11,000 रूपए का नगद इनाम व ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से आई करीबन 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से जहां बच्चे शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, वहीं उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से सोलन में क्रिकेट मैच की क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो लगभग 2 सप्ताह तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। पूरे प्रदेश में सबसे पहला ये टूर्नामेंट इन्होंने आयोजित किया है और जिस लक्ष्य उद्देश्य को लेकर इस प्रकोष्ठ का गठन पार्टी में किया गया है, उस लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसमें हमारी गर्ल्स के भी साथ में टीमें हैं और बॉयज़ की टीमें हैं। बहुत अच्छे से हमारे 2 सप्ताह तक ये टूर्नामेंट चलेगा और मैं इस टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।